हेलो दोस्तों, जिवें थोनों कहा सी असी कि सारे सब्जेक्ट कवर करावांगे। हुण हिंदी भी शुरू करती है, SSC चल रही है। SSC का एक चैप्टर अज कंप्लीट हो चुक है। नौ वीडियो अपलोड करती सीगियां, एक MCQ सी उहदे विच 35 MCQ मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ सी उस चैप्टर दे। उस तो बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं आऊगा जो उस चैप्टर दे विचों आया था। उस तो बाद की है, साइंस दियाँ चल रही, हिस्ट्री मास्टर कैडर दियाँ भी चल रही, नाल उस इंग्लिश दियाँ भी रोज़ अपडेट कर दें। ईडियम फ्रेसिस या वोकैबलरी लैके रोज़ कोई ना कोई अपडेट मिलती रहेगी, थोड़ू तो मिलती है। मैथ दियाँ भी चल रही तो हूँ हिंदी दियाँ शुरू कीतियाँ। हरेक वीडियो 10 क्वेश्चन रखा करांगे आपां। 10 क्वेश्चन रखने का कारण यह है, जिन्ना घट मटीरियल एक वीडियो दे विच होगा थोनों यह लगेगा कम सौखा ही है। तुसी जल्दी जल्दी उन्हों पकड़ कर लिया करोगे एक मिनट के या 2 मिनट के कि सानू याद हो गया क्वेश्चन। जिन्हें ज़्यादा मटीरियल थोड़े को सामने पिया होगा तुसी उन्ना ज़्यादा कन्फ्यूज़ तो आलसी होंगे। ये रीज़न होंगे एक वीडियो के घट क्वेश्चन रखन का। एक वीडियो बना दी असं 5 या 10 बना दिया करिए, पर कारण की है कि जिन्ना घट मटीरियल लो उन्नी छेती तुसी रिमाइंड कर सकोगे। हुण आपां शुरू करते हैं। मेरे हिसाब नाल थोनू ये क्वेश्चन याद करने चाहिए क्योंकि MCQ तुसी अपने आप बना सकते हैं। जे MCQ के देवे बना के वो भी कन्फ्यूजन है कि सारे MCQ याद किमें रखोगे। हम अपने SST साइंस के MCQ चल रहे हैं, वो चलन दो। हिंदी के अपना इस तरह याद करते हैं मोस्टली क्वेश्चन। हिंदी के भी MCQ देवे पहले चंगी तरह पकड़ कर लो कि अपना टॉपिक क्या की रहा आपां नूं। हुण फस्ट क्वेश्चन अपने कोल की है, स्वर संधि के कितने भेद है? स्वर संधि के 5 भेद है। उस समास का नाम बताएं जिसका दूसरा पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास। थर्ड क्वेश्चन अपने को, समरूपी भिन्नार्थक शब्द। समरूपी समान अर्थ, ठीक है, समान बोलन दे विच, ते भिन्नार्थक जिन्हां दे भिन्न अर्थ होन, इंग्लिश दे विच होंदे होमोफोन्स। हुण इहनूं एक लाइन च दसना, उच्चारण में प्राय समानता, उच्चारण च बोलन च सेम होन, एवं अर्थ में भिन्नता, अर्थ च की मिले भिन्नता, रखने वाले शब्द की होंदे आ समरूपी बिनार्थक शब्द। फोर्थ क्वेश्चन है, जिसका भी जन्म ना हुआ हो अजन्मा, बिना वेतन के काम करने वाला अवैतनिक, आंखों के सामने होने वाला प्रत्यक्ष, उपकार को ना मानने वाला कृतघ्न, उपजाऊ भूमि उर्वरा, तेज बुद्धि वाला कुशाग्र बुद्धि, हानि को पूरा करना शरतपुर्त। इन्हें जेडे 10 ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये थोनू लाइनवार इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवे, जो बेसिक मटीरियल है जेडे मेन सब्जेक्ट होंगे उन्होंने बेसिक करन दा कोई फायदा नहीं होंगे। जेडे आप शुरू तो पढ़ते आने हैं जिवें हुण मैथ हो गया, इनका बेसिक करना जरूरी है क्योंकि ये जेडा कन्फ्यूजन करता रहा या इन प्रैक्टिस जरूरी होंगी इनकी। हुण जेडे बाकी सब्जेक्ट इन्हां दा थोनू बेसिक थोनू क्लीयर होने चाहिए है। नाम प्रणाम हो गए, काल हो गए, ये सारिया चीज़ा थोड़ा व्याकरण जी कंप्लीट होनी चाहिए है। इसलिए हम सीधा क्वेश्चन तो स्टार्ट किया। जो थोड़ा वीडियो पसंद आई हो कमेंट करके दस्यो, जो कोई फिर भी सजेशन देना चाहते हैं कोई भी सजेशन हो कमेंट कर दियो एक बार कि सर आ प्रॉब्लम है या कुछ भी है, तो असं जल्दी जल्दी उन्हें रिस्पोंस देवे। थोड़ा मिलते हैं अगली वीडियो के।